नमस्ते, आप सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर। अमूल की तरफ से, मेरी तरफ से, प्रसाद किचन की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपको बहुत अच्छा जाए। अब अभी हम देख रहे हैं, मेरा आवाज़ अच्छे से आ रहा है? आज हम बना रहे हैं पनीर स्टफ चीज़ कटलेट। तो थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। हम क्या बनाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि पनीर के जो कटलेट्स हम रोज रोज खाते हैं, तो खाली पनीर भी होता है, तो आज हम अंदर पनीर डाल रहे, कटलेट जैसा बनाएंगे, स्टफिंग जैसा, जैसा पैटीज रहता है वैसा बनाएंगे, जो कि बच्चों को भी सरप्राइज लगेगा। और चीज़ी है, पनीर है, तो अमूल का पनीर है तो कुछ बात है। तो आप देख लो, अभी हम इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। पहले लगने वाले हैं जो ब्रेड्स है, जो सैंडविच के लिए हम लेके आते हैं, जो हम सैंडविच के लिए लेके आते हैं, वो साइड के जो पीसेस रहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो मैंने ये पहले से ही इसका मिक्सर में बारीक से क्रम बना के लिया है, ये देखो। और इसको लगेगा ये मिर्ची और जीरा, ये हरी मिर्ची है और जीरा है इसमें, ये देखो। खाली इसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा घुमा लिया है, बारीक करके लिया है। और ये हमारा अमूल का पनीर एकदम सॉफ्ट। और ये बॉइल्ड पोटैटोस। और ये सॉस है, मेयोनीज है, ये गार्निशिंग के लिए लगने वाला है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं जो हमको कोटिंग के लिए लगने वाले हैं। और ये मैदा है और कॉर्नफ्लावर। अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम। और ये ग्रीन चटनी है जो हम उसके साथ सर्व करेंगे। पहले मैं एक बाउल में दो आलू लेता हूँ, ये मैं मैश करके लेता हूँ थोड़ा सा हाथ से। हाथ अच्छे से धो के मैंने किए हैं, धो के अभी कर रहा हूँ। तो ये जाएगा बॉइल्ड पोटैटो। और ये जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं वो, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। और ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखो, अच्छे से इसको मैश करके लेना है। देखो, अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये पूरा ऐसे अच्छे से हो चुका है। अभी हम लेंगे जो अंदर का जो स्टफिंग बनाने वाले हैं, उसमें हम पनीर डालेंगे। तो ये पनीर के जो पीसेस हैं, ये थोड़े से बारीक करने हैं हमें, देखो, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं। मैं ये थोड़े बारीक कट कर लेता हूँ। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारा डिस्कनेक्ट हुआ था। तो अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं।
ये हमने बारीक कटा हुआ जो पनीर लिया है, पहले फिर से हम रेसिपी में अभी रिकैप कर देता हूँ आपको। वेलकम टू अमूल और सबको हैप्पी न्यू ईयर। अभी हम फिर से आपको मैं एक बार रेसिपी बता लेता हूँ नए ज्वाइन हुए लोगों के लिए। मैंने अभी आज मैं पनीर ब्रेड स्टफ कटलेट बना रहा हूँ। इसके उसको लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है वो ब्रेड है, ब्रेड क्रम्स लिया है मैंने जो फ्रेश ब्रेड के जो मिक्सर में बारीक करके लिया है, और ये ग्रीन चिली है, और ये है मेयोनीज है, और ये मैश पोटैटो है। ये तो मैंने मैश पोटैटो पोटैटो और इसमें पोटैटो ब्रेड क्रम्स फ्रेश और नमक डाल के इसको अच्छे से मैश कर लिया है। तो अभी हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हेलो देखो ये थोड़ा सा नमक, ये थोड़ी सी मिर्ची और जीरा का जो हमने पेस्ट बना के लिया था वो डालेंगे। इसमें जाएगा थोड़ी सी धनिया, देखो थोड़ी सी धनिया, मैं गैस तेज गर्म करने के लिए रखता हूँ। ऐसे वाटी बना के लेना है। और मेन रह गया मेरा, भूल गया मैं, जो अमूल का फ्रेश चीज है वो डालेंगे इसमें, जो पनीर और ये जो बनाया है इसमें, ये देखो ये अच्छे से मिक्स करके लेना है हमें। अब जो हमने वाटी जैसा बनाया है इसमें ये स्टफिंग डालेंगे और ये अच्छे से बंद कर लेना है हमें, ये देखो। और एक दो बना लेते हैं हम, देखो इसमें जाएगा ये, अच्छे से और थोड़ा सा पनीर और चीज का जो बढ़िया सा स्टफिंग है जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का फेवरेट है, आप बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मिर्ची कम डालो। कोट करके लेना है, मस्त एकदम हमारे चार कटलेट रेडी हो गए। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, पेस्ट बना के लेंगे। पानी पानी और ये मैदा और दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, देखो दो चम्मच लेंगे हम कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच जाएगा इसमें मैदा, थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक,
हमने चीज़ डाला है तो नमक थोड़ा सा देख के डालो, क्योंकि चीज़ में भी नमक रहता है, सॉल्टेड रहता है। इसे गाढ़ी सी पेस्ट बना के लेंगे जो हमें डीप करके लेना है इसमें, और फिर जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं वो ब्रेड क्रम्स में भी हम उसको डीप करने वाले हैं और फिर से डीप फ्राई करने वाले हैं। ये देखो ऐसे पेस्ट बना के लेना है। और ये जो हमने कटलेट बना के लिए थे ये इसमें डीप करेंगे ऐसे। और ये देखो ऐसे शानदार, इसे हाथ से थोड़े से इसको ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगाएंगे और ये छोड़ेंगे तेल में। गरम हो चुका है अच्छे से तेल। और एक मैं आपको बोलूँगा, जिसको ज़्यादा चीज़ लगता है, बच्चों को सरप्राइज़ देना है, तो हम अंदर ना चीज़ का एक फीलिंग डालेंगे। ये देखो ये जो पाइपिंग बैग में मैंने चीज़ ब्लांड लिया है, तो ये अभी चीज़ ब्लांड हम इसमें अंदर पूरा पाइपिंग बैग डालेंगे और ऐसे स्टफ करके लेंगे। और फिर से ये जो हमने अभी ये बनाया था, होल बनाया था इसको जो अंदर स्टफ करने के लिए, उसको अब हम गोल्डन फ्राई होने तक हम सेक लेंगे। अनुजा जी, मैं आज ब्रेड चीज कटलेट बना रहा हूँ। अनुजा जी पूछ रहे हैं व्हाट आर यू मेकिंग सर। ये अभी मैंने छोड़ दिया, तो ये बाकी के भी जो है इसमें भी हम बनाएंगे। ये देखो ये जो पाइपिंग बैग है वो अंदर ऐसे घूम ये करना है और प्रेस करना है। हमें हाथ में समझ में आएगा कि अंदर कितना गया है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है इसका। हो गए हमारा एक रेडी हो गया है, टर्न कर लेता हूँ। और एक बनेगा ये देखो। किसी के कोई क्वेश्चंस है? अभी इवनिंग का टाइम है तो स्नैक्स, टी के साथ, चाय कॉफ़ी के साथ स्नैक्स तो कुछ तो लगता ही है। तो ये आसानी से बनने वाला ये स्नैक्स है, और अमूल के साथ है तो कुछ बात ही और है।
हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं देना है क्योंकि वो फट जाएगा, फिर फट जाएगा जो, और हमने जो अंदर फीलिंग जो डाला है वो बाहर आ सकता है। मैं ये क्लियर कर लेता हूँ। दीक्षा मैम पूछ रही है, मैंने ये जो पाइपिंग बैग में चीज़ ब्लेंड लिया है, लिक्विड चीज़ है, लिक्विड चीज़ डाला है मैंने, उसके साथ साथ मैंने अमूल का फ्रेश प्रोसेस चीज़ भी डाला है, देखो ये हो रहे हैं ब्रेड क्रम्स लगाया है हमने, तो उसको अच्छे से कोटिंग भी अच्छा हुआ है और क्रिस्पी भी बहुत लगेंगे वो। देखो ये हमारे देखो गोल्डन कलर का होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा होने तक वेट करेंगे, तब तक हम प्लेटिंग करेंगे। ये जो मैंने अभी सॉरी ये जो मेयोनीज दिया है प्लेट को ऐसे लगाना है और इसको हमारा फिर उसके साथ जाएगा ये प्याज, गैस बंद कर लेता हूँ मैं। ये हो चुका है, अच्छे से गोल्डन कलर भी आ गया है इसको। ये देखो ये अच्छे से ब्रश करके लेना है, जो मैंने अभी ये ब्रश लिया है इससे हम ऐसे खाली ब्रश करना है, इजी है। और ये कुछ ओनियन है, ये बाजू में रखेंगे। देखो थोड़ी सी धनिया डालेंगे इसके ऊपर, ये जो हमने अभी जो कटलेट बनाए हैं इसको हम कट करके आपको दिखा देता हूँ मैं, कितना अच्छा ये है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और एक कट कर देता हूँ ऐसे क्रॉस कर करो। ये देखो ना अच्छा लग रहा है, इसको ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चीज़ ब्लेंड।
इतना अच्छा टेक्सचर है इसका, इसके ऊपर हम डालेंगे ये चीज का पाइपिंग करेंगे इसको। देखो ये हो गया हमारा पनीर स्टफ चीज कटलेट। विशेष भी बनानी है अभी ये साल में तो अमूल है, तो अमूल के साथ तो हम अभी बना करने ही वाले हैं नए नए रेसिपीज। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो, और मैं आपसे अभी इजाज़त लेता हूँ। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।